अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर पैटर्न एक्सरसाइज 4। हम स्टार्ट करेंगे। नंबर पैटर्न के बारे में जानते हैं। नंबर पैटर्न इज द पैटर्न आर सीक्वेंस इन द सीरीज ऑफ नंबर्स। दिस पैटर्न जनरली एस्टैब्लिशेस अ कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन ऑल नंबर्स। ओके, नंबर पैटर्न है क्या? ये सिलसिले नंबर में तरतीब को कहते हैं। और ऑल नंबर्स के दरमियान में ये रिलेशनशिप जो है इसको शो करता है। यहाँ पे आपको ये एग्जांपल नजर आ रहा है, 0, 5, 10, 15, 20, 25। ये नंबर्स आपको दी है, ठीक है। यहाँ पे आप इस लाइन को देखिए, 0 से लेके 5 तक नंबर्स गए हैं, मतलब 5 जो है नंबर स्किप हुई है, ठीक है। तो 0 पर 5 नंबर स्किप हुई है तो ये गया है 5 की तरफ, फिर 5 स्किप हुई है तो 10, फिर 15, 20, 25, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 के साथ जब हम ऐड करेंगे 5 तो 5 आएगा, फिर 5 के साथ 5 ऐड करके 10 आएगा, फिर 10 के साथ 5 ऐड करके तो 15, फिर 20, 25। इसको हम कहते हैं नंबर पैटर्न। अब यहाँ पे है, हियर वी गेट द नंबर्स इन द पैटर्न बाय स्किप काउंटिंग बाय 5। इस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे हमने स्किप काउंटिंग की है, स्किप काउंटिंग बाय 5। गिवन आर द स्टेप्स टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न नंबर। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नंबर पैटर्न वी नीड फर्स्ट टू फाइंड द रूल बीइंग फॉलोड इन द पैटर्न। ओके, ये जो हमें यहाँ पे नंबर मिला था 0, 5, 10, 15, 20, तो पहले हमने इस नंबर को देखना है, ठीक है, कि इसमें कौन सा रूल जो है वो फॉलो हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो रूल फॉलो हुआ था हम उसको एडिशन भी कह सकते हैं कि एडिंग 5 और स्किप काउंटिंग, ठीक है, स्किप काउंटिंग भी कह सकते हैं। ओके, टू फाइंड आउट द रूल वी नीड टू सी द फर्स्ट फ्यू नंबर्स इन द सीरीज। रूल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले जो कुछ नंबर्स होते हैं सीरीज में उसको हम देखेंगे कि इसमें जो है कौन सा रूल फॉलो हुआ है। यहाँ पे 0, 5, 10, 15, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि नंबर जो है इंक्रीज हो रहे थे तो वहां पे एडिशन का रूल जो है वो फॉलो हो रहा था। ट्राई टू सी द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स, इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स। ओके, कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है मतलब एक दूसरे के बाद जो नंबर्स आते हैं उसको हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। जिस तरह हमारे पास 0 था, 5 था, 10 था, तो उसके मिड में कौन सा रिलेशनशिप था, उसके मिड में एडिंग 5, हमने 5 ऐड किया था। 0 के बाद हमने 5 ऐड कर लिया तो वो 5 बना, फिर उसके साथ हमने 5 एक और ऐड किया तो वो 10, फिर एक और ऐड हमने किया तो वो बना 15, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दूसरा एग्जांपल है, ये एग्जांपल को आप देखिए, यहाँ पे है 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53। ओके, अगर हम इस सारे नंबर्स को देखें तो यहाँ पे नंबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब नंबर इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पे तो या एडिशन का रूल फॉलो हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन का,
लेकिन आप पहले दो तीन नंबर्स को देखिए, यहाँ पे 11, 17, 23, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ 11 के साथ 6 ऐड हुआ है तो यहाँ पे 17 बना है, फिर इसके साथ 6 ऐड हो के 23, ठीक है, 11 + 6 = 17, 17 + 6 = 23, 23 + 6 = 29, 29 + 6 = 35, + 6 = 41, फिर 47 और फिर 53, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस पैटर्न वी सी दैट एवरी टर्म इन द सीक्वेंस हैज ग्रोन और इंक्रीज्ड बाय 6। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे जो है हर एक नंबर जो है वो 6 नंबर के साथ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। किस तरह इंक्रीज हुआ है, मतलब 11 है, 11 के साथ हमने जो है 6 ऐड किया तो हमारे पास आया 17, ठीक है। मतलब इन दोनों अगर हम देखें 11 और 17, तो इन दोनों के नंबर में जो है जो डिफरेंस है कितने नंबर का फर्क है, इसमें 6 नंबर्स का फर्क है इसमें, ठीक है। तो ये रूल हमारे पास है एडिंग एडिशन का है, तो एडिंग 6, ठीक है। In this pattern, we see that every term in the sequence has grown or increased by 6, or the difference between any two consecutive number is 6. Okay? So we can give the next term by adding 6 to the previous pattern. मतलब 11 के साथ हम 6 ऐड करेंगे तो 17 बनेगा, 17 के साथ हम ऐड करेंगे 6 तो 23 बनेगा, फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे 6 तो 29 बनेगा, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें 18, 15, 12, 9, 6, 3, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो है नंबर जो है वो डिक्रीज हुई है, कम हुई है, 18 है फिर 15 है, तो ये नंबर क्या हुई है, कम हो गए हैं, सही है। तो नंबर कम, तो जब नंबर कम होंगे या तो फिर उसमें रूल फॉलो होगा डिविजन का या फिर सब्ट्रैक्शन का होगा, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंस बहुत कम है, 18 और 15 है, मतलब 3 डिजिट्स का डिफरेंस है। फिर अगर हम 12 की तरफ देखें तो वहां भी 3 डिजिट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्ट्रैक्शन का है। एंड दिस पैटर्न वी, ये आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ, अच्छा। एंड दिस पैटर्न वी कैन सी दैट एवरी टर्म इन द सीक्वेंस हैज रिड्यूस by 3, or 3 has been subtracted from every number compared to its previous one. So we can subtract 3 from the previous term to give the next term. मतलब हर एक से हर एक number से हमने minus 3, मतलब 3 हमने subtract करना है, okay? क्या करना है, 3 हमने subtract करना है, तो ये हमारे पास subtracting rule है, okay? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इसमें से ये नहीं है कि स्पेसिफिक एक दो तीन रूल इसमें फॉलो होंगे, ठीक है। नंबर पैटर्न आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू टाइप्स, दे कुड बी असेंडिंग, डिसेंडिंग, मतलब असेंडिंग भी हो सकता है छोटी सी बड़ी नंबर की तरफ या बड़ी सी छोटी की तरफ, मल्टीपल्स जिस तरह मैंने आपको टेबल का बताया, इसमें इवन नंबर भी आ सकते हैं, इसमें ओड नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बाकी सही समझ आ जाएगी कि नंबर पैटर्न किस तरह हम जो है फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न एंड आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दी है, जिस तरह अगर हम पार्टी को देखिए 10, 40, 160, 640, ठीक है, और फिर हम इंडेक्स फाइंड आउट करने हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4 है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 हम भी अभी करेंगे, और इसमें टोटल जो है वो 3 क्वेश्चन है, ओके। अब सबसे पहले हम जो है डिटेल पेज की तरफ आएंगे, जिस तरह आप लोग डिटेल पेज करते थे, तो सबसे पहले आपने अपना पेंसिल, सॉरी मार्कर, पेन, ये सारी चीजें आप निकालें, स्टेशनरी निकालें, राइट एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन, जिसमें 1, 2, 3 है,
और पेज है 25 + 26। ओके, अब हम आएंगे जो है क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन है कि आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न एंड आल्सो फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। पहले टर्म्स हमें दी है और उसी को देख के हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा रूल जो है वो फॉलो हुआ है, ठीक है, और फिर हमें इसके नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। समझ आ रही है? अब यहाँ पे जो है हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ओके, ये जितने बच्चे हैं ना तो काइंडली आप लोग कैमरा जो है ऑफ करें, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपकी ये फेसेस पर नजर आएंगे, ठीक है, और आप लोग जरा जाग जाए, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी देख लिया, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न एंड फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। टेक आउट योर रफ नोटबुक। फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने पहले जो है लिखना है एक्सरसाइज 4 पेज 25, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और वो पेज 25 पे है। Now we are going to start question number 1. Identify the rules of this pattern and also find the next three terms. ये आपने जो है मार्कर से लिखना है, क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है। Now we are going to start part A. क्या करेंगे part A? हम start करेंगे 10, 40, 160, 640 and next three terms हमने find out करने हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब नंबर इंक्रीज होते या तो वो ऐड होते हैं इसमें कुछ नंबर, या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म जो है वो यूज होता है। तो यहाँ पे रूल जो है कौन सा रूल होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा। अगर हम देखिए 10 और नेक्स्ट हमारे पास है 40, तो अगर आपने इसमें एडिशन का रूल फॉलो करना है तो 10 के साथ हम 30 प्लस करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन अगर 40 के साथ हम 30 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 160 नहीं आएगा। सो एडिशन का रूल जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हम जो है मल्टीप्लीकेशन वाला देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन वाला अप्लाई होगा या नहीं। तो 10 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 40 आ जाए, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10, 4 are 40। अब वही 4 आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 160, ठीक है, जाएगा 160 के साथ आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 640, क्या आएगा 640। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये रूल क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय 4, क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय 4। ओके, आपने पहले जो है आइडेंटिफाई तो कर लिया कि दिस इज मल्टीप्लीकेशन रूल। अब यहाँ पे 10 4s are 40, 44s are 160, 164s are 640, यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन में दी है, लेकिन नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे, 640 multiply 4, 640 multiply 4, 4 zeros are 0, जहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करें, 4 4s are 60, 4 6s are 24 plus 1 25। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट टर्म आ गया 640 multiply 4, तो यहाँ पे आएगा 2560, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया। अब सेकंड टर्म इसी के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 4 0s are 0, 4 6s are 24,
टू कैरी, फोर फाइव आर 20 प्लस टू 22, टू फोर आर 8 प्लस टू 10, क्या आया 10. सो द नेक्स्ट टर्म इज 10,240. ओके, दिस इज सेकेंड सेकेंड टर्म. द नेक्स्ट टर्म इज, अब इस 10,240 के साथ फिर हमने 4 मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 4 0s are 0, 4 4s are 16, 4 2s are 8, 9, 4 0s are 0, 4 1s are 4. So this is the थर्ड वन टर्म. ठीक है, पहले कुछ टर्म्स हमें दिए थे, ठीक है, तो ये हम इसके साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया मल्टीप्लीकेशन बाय 4. एंड द नेक्स्ट थ्री टर्म इज 2560, 10,240, 40,960. ओके, ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट टर्म्स. ठीक है, ओके, नो वी आर मूविंग टूअर्ड पार्ट बी. यहाँ पे देखिए 22, 220 and 2200. ठीक है, दिस इज टू मच इजी. राइट डाउन सोल्यूशन एंड रिपीट द क्वेश्चन. सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ है. नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब नंबर इंक्रीज होते हैं तो या एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय 10, मतलब हर एक नंबर जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है. जब 22 मल्टीप्लाई हुआ 10 के साथ तो हमारे पास 220 आया. सिंपल, आप कौन सा वाला रूल वो जो हमने मल्टीप्लीकेशन में किया था कि जिस नंबर के साथ भी 10 मल्टीप्लाई हो तो 10 है, तो यहाँ पे आंसर में इसके साथ 10 लगेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट इसके साथ दोबारा 10, तो वही 20 के साथ एक और 0. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है. ठीक है, हर एक के साथ 10 मल्टीप्लाई 10 10 10 मल्टीप्लाई हुआ है. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 22,000 है, सेकंड टर्म है 220,000, ठीक है, नेक्स्ट टर्म है 2,200,000. ठीक है, हमारे पास जो है नेक्स्ट टर्म्स आ गई है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रा फिनिशिंग लाइन. ये क्वेश्चन, ये पार्ट बी, ठीक है, दिस इज पार्ट बी. ईसा ये आप क्या कर रहे हो ईसा? ओके, अब हम करेंगे सी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन रिपीट. अब यहाँ पे देखिए 352, नेक्स्ट टर्म है 176 एंड थर्ड है 88. राइट डाउन सॉल्यूशन एंड रिपीट द क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे जो है बड़ा नंबर है, फिर स्मॉलर. ठीक है, नंबर जो है डिक्रीज हुई है, तो जब नंबर डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हो तो या तो डिवीजन होगी या फिर सब्ट्रैक्शन होगी. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो रूल फॉलो हुआ है वो डिवीजन का फॉलो हुआ है, और डिवीजन जो है वो डिवीजन बाय 2 है. ठीक है, हर एक नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हुआ है. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 352, तो जब ये 2 पे डिवाइड हुआ तो क्या आया, 176 आया. ठीक है, जब 176 2 पे डिवाइड हुआ तो वहां पे आया 88. ठीक है, जब 88 2 पे डिवाइड हुआ तो क्या आया, 44. यहाँ ये 3 टर्म्स हमें दी है, 352 176 88. 88 के बाद हमने नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट करने है. तो यहाँ पे आप ये डिवीजन देखे, 88 को जब 2 पे डिवाइड किया, 2 2s are 2 4s are 8 2 4s are 8 mean 2 44s are 88. ठीक है, अब इस 48 को दोबारा 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आया
2 22s are 44. अब नेक्स्ट ये हमारे पास आया 22, इसको दोबारा 2 पी किया है, ठीक है, तो 22 2 11s are 22, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो पता चल गया कि ये डिवीजन बाय 2 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लिखेंगे, फर्स्ट जो है था वो 352, फिर 176 88, फिर नेक्स्ट होगा 44 22, एंड लास्ट वन जो है 11, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। अब हम डी की तरफ मूव करेंगे, 780 880 980, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। राइट डाउन सॉल्यूशन एंड रिपीट द क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है कि हर एक नंबर के साथ हम 108 करेंगे, ठीक है, ये रूल है एडिंग 100, हम हर एक नंबर के साथ क्या करेंगे 108 करेंगे। 780 के साथ जो है 8 हुआ है 100, तो ये 880 आया है, इसके साथ 108 किया है तो 980 आया है। यहाँ पे देखिए 8080 जो है सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये 100 वाला नंबर जो है ये इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा रूल है, एडिंग 100 रूल है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 टर्म्स हमें दी है, 780 880 980, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1080, फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1180, फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1280, सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 1080, फिर है 1180, फिर नेक्स्ट है 1280, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन डी, और अभी क्या है, द लास्ट वन इज ई, 560 540 520 520, और नेक्स्ट जो है वो 3 हमने आइडेंटिफाई करने। तो हंड्रेड जो है वो सबका सेम है, जो हमारे पास है टेंस वो सिर्फ चेंज हुआ है, तो हम 20 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हर एक से जब हमने 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 520 जब सब्ट्रैक्ट किया तो 540, जब इससे 540 से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 520, 520 से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 500। अब ये नेक्स्ट हमने 3 फाइंड आउट करने हैं, 500 से माइनस 20 तो 480, 480 से 20 माइनस किया तो 460, 460 से माइनस 20 किया तो 440। अब देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स 480 460 एंड 440, ठीक है। ये हमारे पास थी क्वेश्चन नंबर 1, ओके मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सारे दिखा रही हूँ, कह रहे थे क्वेश्चन नंबर बी, तो दिस इज पार्ट ए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है या जो भी है, टाइम कम है, ओके, दिस इज पार्ट ए, This is part B. This is part C. ठीक है, this is part D. And this is the last one, part part E. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 देखे, ये 1 to 100 आपको नंबर्स दी है, और इसमें से आपने खुद सिर्फ 1 से 100 में से जो है कोई भी 5 जो है पैटर्न आपने आइडेंटिफाई करने हैं, एडिशन का सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अगर आप देखिए 1 2 3, तो आप इसमें से 1 के साथ 1 प्लस करें तो 2, 2 के साथ 1 प्लस करें तो 3, दिस इज एडिशन।
अगर यहाँ पे 100 से आप आ जाए 100 माइनस 10 90 माइनस 10 इसी तरह, तो आपने इसमें से 5 पैटर्न जो है वो फाइंड आउट करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम उर्दू क्लास की तरफ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा Mm-hmm.